हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारे पास यह क्वेश्चन है, टू वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 कंप्लीट 3/8 आवर्स। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे पास हम लेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, क्वेश्चन नंबर 9। तो लेट करेंगे हम, लेट क्या करेंगे, टैंक को हम फिल करवाएंगे। टाइम टेकन जो लेंगे हम किसके बराबर लेंगे, टाइम टेकन, लेट टाइम टेकन बाय टेप हैविंग स्मॉलर डायमीटर इक्वल टू एक्स आवर्स। ठीक है, अब हमारे पास टाइम टेकन टेकन बाय टेप हैविंग लार्जर डायमीटर इक्वल टू, यानी जो स्मॉलर टेप जो है वो एक्स आवर्स लेता है, तो लार्जर टेप जो है 10 घंटे कम लेता है, 10 आवर्स कम ले रहा है, तो एक्स माइनस 10 कर देंगे इसको, एक्स माइनस 10 आवर्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर हम दोनों टेप हम ओपन करेंगे तो कितना है, दोनों टेप कितने, टाइम टेकन टेकन बाय Both the tapes. To fill the tank. Equal to कितना आता है, यह आता है 9 complete 3/8 hours. ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों टेप जब लेते हैं इतना टाइम, तो इसको हम फ्रैक्शन में बना देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 8 × 9 = 72, 75/8 आवर्स। ठीक है, ये लेकिन हम क्या निकालेंगे, एक कंडीशन निकालेंगे, एक आवर की, 1 आवर की कंडीशन निकालेंगे। इन वन आवर एक घंटे में कितना टाइम ये पानी फिल करेंगे टैंक में। ठीक है, तीनों का निकालेंगे हम सेपरेटली, इसका भी सेपरेटली। ठीक है, तो यहां पर इन वन आवर टैंक फील्ड बाय टेप हैविंग स्मॉलर डायमीटर इक्वल टू 1/x आ जाएगा। ठीक है, और लार्जर टेप कितने में करेगा, टैंक फील्ड बाय टेप हैविंग लार्जर डायमीटर इक्वल टू 1/x - 10, ये बन जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है, दोनों टेप एक और में कितना लेंगे टाइम, टैंक फील्ड बाय
टिप्स हैविंग बोथ द टिप्स, क्या लिखेंगे, बोथ द टिप्स, बोथ द टिप्स इक्वल टू कितना आ रहा है 75/8, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 8/75, ठीक है, इतना पानी। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्वेश्चन में क्या है कि सेपरेटली स्मॉलर टेप जो है वो इतना पानी ए वन ओवर में जा रहा है टैंक के अंदर, और लार्जर टेप जो है वो इतना पानी डाल रहा है किसमें, टैंक के अंदर, और दोनों जब हमने ओपन रखे तो ये इतना जा रहा है पानी, ठीक है, तो ये प्लस ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी वन ओवर में डाल रहा है, ये भी, और ये दोनों जब, तो इसका मतलब ये प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कहा है, 1 + x + 1/(x − 10) इक्वल टू 8/75, ये हो जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम क्या लेंगे, x × x − 10, ये आ जाएगा हमारे पास, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x − 10 बनेगा, प्लस ये और ये कैंसल, तो x बचेगा, इक्वल टू 8/75, क्लियर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे, इंप्लाइज दैट x + x 2x हो जाएगा, −10/(x × x)² ध्यान दीजिए, x × x² −x × 10 10x इक्वल टू 8/75, ये बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इंप्लाइज दैट इससे इसको मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा हमारे पास 150, 5 × 10, 7 × 14 = 150, 150 x माइनस इसे इसको मल्टीप्लाई, तो 750 इक्वल टू इसे इसको मल्टीप्लाई, तो 8x² −80x, क्लियर, ये बन रहा है। इंप्लाइज दैट यहां पर ट्रांसपोज करेंगे, 8x² −80x माइनस है, आगे जाएगा ये हमारे पास 150 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 8x² ये और ये लाइक टर्म्स है, यहां पर x है, ये और ये लाइक टर्म्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दोनों माइनस में है तो ऐड करेंगे, लेकिन साइन माइनस का, 0 का 0, 5 और 8 13, 2 1 और 1 2, x + 750 इक्वल टू 0, ये हमारे पास बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमने कैसे फाइंड किए हैं, हमने तीन मेथड पढ़े हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक हमने पढ़ा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा हमने पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड बाय सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, फिर हम इसको ऐड या सबट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आनी चाहिए। हम यहां पर कोशिश करेंगे कि कौन सा ये सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, हाँ ध्यान दीजिए यहां पर हमारे पास कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन अंदर क्या बचेगा, 4x² माइनस ये बन जाएगा कितना 115x प्लस ये आ जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट ये क्या बन जाएगा 4x² −115x प्लस 375 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पर हमने इसे इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28,
और 230, ठीक है, 4 3 12 और 315, 1500 बन रहा है। तो इसके जो फैक्टर्स अगर आप इसको करोगे तो 100 इंटू 15 बन रहा है, तो 100 इंटू 15 1500, ठीक है। अब 115 आना चाहिए, तो माइनस 100 माइनस 15 बनेगा ये, ठीक है। तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1500, और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मैंने क्या बोला था, ये आना चाहिए था, तो इन दोनों को ऐड करके माइनस 115 आ रहा है। तो ये बनेंगे इसके फैक्टर्स, 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, कॉमन निकालते हैं इन दो में से, कॉमन 4 कॉमन, x भी कॉमन, तो ये आ जाएगा x माइनस 25, और यहां से कितना कॉमन निकालेंगे, इन दो में से कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे हम कितना, 15 कॉमन, यहां से माइनस 15 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहां से माइनस 15, तो x माइनस आ जाएगा और ये 25। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एक्स माइनस आइदर एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 25 ये बन रहा है, और 4x इक्वल टू, ये 4x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 15 अपन 4, लेकिन 15 अपन 4 बना, बट x इक्वल टू 15 अपन 4 इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि x की वैल्यू जो हमारे पास आई 15 अपॉन 4, और 15 अपॉन 4 जो है कंडीशन जो थी हमारे पास किसके बराबर थी, 10 और लेस लेता था, तो ये हमारे पास ये 10 से छोटा है, तो ये रिजेक्ट होगा, तो दियर फोर एक्स इक्वल टू 25, तो x हमारे पास 25 निकला, और 25 मीन्स कौन सा हमारे पास ले रहा है, लार्जर स्मॉलर टेप कितना टाइम ले रहा है, हेंस टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप इक्वल टू कितना 25 आवर्स, एंड टाइम टेकन बाई लार्जर टेप इक्वल टू 25, ये x माइनस 10 है, तो 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर्स, ये आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, नोट करिए, पॉज करके नोट करिए, ठीक है।